Today we will discuss this question paper. Stop talking now. Set A and B simultaneously. One question from each set. Okay. From set A, first question. Three beakers labeled A, B, C, and each containing 25 ml of water were taken. A small amount of sodium hydroxide, anhydrous, copper sulfate, and sodium chloride were added to the beaker, respectively, A, B, C, respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beaker A and B, whereas in beaker C, temperature falls. Which one of the following statement is or are correct? कौन सी थी? A में आपने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो A and B are showing exothermic process, A and B endothermic. C is exothermic, C is endothermic. ये चार ऑप्शन आपके पास है. इसमें से आपके पास एक्सो क्या होता है? हीट इवॉल्व, एंडो हीट गिवन. अब हमारे पास है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. हमारे पास क्या हुआ था? ए बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो रिएक्शन में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, रिएक्ट विद द वॉटर, तो वहां पे क्या होगा? हीट रिलीज होगी कि नहीं? बट यू हैड रिटर्न, अपने सेट ए नहीं है यहाँ पे कोई? सेट ए का कोई बच्चा नहीं है? ऑप्शन बी सी ऑप्शन सेट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट बोथ आर शोइंग द एक्सोथर्मिक. सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर. ये तो आपने टॉपिक करा हुआ था, ठीक है? कैल्शियम की जो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर किसकी वजह से है? कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बाय बबल्स ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन. सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by the liberation of heat. This process is called slaking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is correct about slaking lime and the solution form? आपके पास option थी endothermic reaction. D option आएगा. D option में क्या थी? Answers क्या है? The pH of the resulting solution will be more than 7. ठीक है, base बन गया ना? तो हाइड्रोक्साइड तो मोर देन 7, ये ऑप्शन सही है. द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ठीक है? ये करेक्ट करवाया होगा ना, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शंस थे, ओके डी है. देन द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेट ए, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड है. Heating of lead nitrate, बेटे आपको क्वेश्चन आने ऐसे ही हैं. Heating of lead nitrate, reaction between copper and iron sulfate, reaction between lead and potassium, lead nitrate and potassium iodide, reaction between iron and sulfuric acid. आपके पास ऑप्शन सी, सी ऑप्शन में है. Heating of lead nitrate, that is light green color, sorry brown color, ठीक है? रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड आयरन सल्फेट लाइट ग्रीन कलर. रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट. एंड रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फ्यूरिक एसिड मेटल रिएक्ट विद द एसिड इट विल प्रोड्यूस फिजिंग साउंड एंड व्हेन बर्निंग मैचस्टिक कोपिंग साउंड. ठीक है, ये दोनों चीजें याद. फिजिंग साउंड भी बोलते हैं, फिजिंग भी कह सकते हैं, फिजिंग भी. और जब मैचस्टिक लेके जाएंगे देन कोपिंग साउंड. तीनों में से कोई भी ऑप्शन के साथ वो कोरिलेट कर सकते हैं. तो आपके पास इसकी ऑप्शन थी सी. दूसरे सेट में था सेट बी का थर्ड क्वेश्चन. सिल्वर सल्फाइड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और नाइट्रोजन गैस एंड बेसिक कॉपर कार्बोनेट. तो आपको पता है सी वाले से एक आइडिया लग सकता था. ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल कहाँ यूज किया है? कहाँ है, मतलब क्या इसका है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी प्रिवेंटिव रेंसिरेटेड, ठीक है? तो उसकी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, एस, यानी कि सी एस के साथ है. बी और सी ऑप्शन में था. एक और देख लो,
ऑप्शन इसकी सी आंसर है। सी लिखा है ए सी ए क्यू, ए क्यू मतलब सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कोटिंग, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड, मैंने आपको बताया था सिल्वर ब्रोमाइड एंड हमने करा था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर के प्रोडक्ट के ऊपर ब्लैक कोटिंग अपीयर होती है, दैट इज द सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कोटिंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज रेडिश ब्राउन कोटिंग, क्योंकि फेरिक है आपका सेट कौन सा था उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, सॉरी रेडिश ब्राउन कोटिंग, प्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, रेंसिडिटी बी वाला जो है दैट इज ग्रीन कोटिंग। ये मैंने पहले भी बताया था कि कॉपर का कोई भी यूटेंसिल पड़ा है, कॉपर की कॉइन है, कॉपर का यूटेंसिल है, वहां पे कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट बनता है, ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग होती है, ठीक है, आयरन पे ब्राउन होती है, यहीं से आपको आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए, 12th क्वेश्चन आई थिंक, नहीं 10th, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, आपको बैलेंसिंग करनी थी। सेट ए में 10th क्वेश्चन 3 और 4 सी ऑप्शन आना था, ठीक है। सेट बी में 10th क्वेश्चन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन 3-3, ठीक है, ओके। देन आइए 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, ये तो आता था सबको, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या शो कर रही है रिएक्शन, रिडॉक्स। तो इसमें आपको बताना था कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसकी ऑप्शन है सी, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, आता था। दूसरे सेट में था कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस वाटर, इसमें क्या है, उसने पूछा था सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, बी ऑप्शन हाइड्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, एन एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन व्हिच टर्न्स फिनोल फिथिलीन सॉल्यूशन पिंक, क्या लिखा है सेट ए में, एलिमेंट आप भी सोचो, जिनका नहीं भी था वो भी सोचो, एन एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर, एक एलिमेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करा, एक सॉल्यूशन बनाया विच टर्न्स फिनोल फिथिलीन सॉल्यूशन पिंक, पिंक कलर कौन बनाता है, बेस, तो यानी कि बेसिक ऑक्साइड बना, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, बेसिक हाइड्रोक्साइड है ना, तो यानी कि जो बेस है वो कौन सा होगा, मेटल के नॉन मेटल, मेटल कौन सा मेटल इसमें, कैल्शियम, समझ आया। यहाँ पे आओ 16th क्वेश्चन, एक्स इज अ सब्सटेंस विच इज सोल्यूबल इन वॉटर एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद जिंक, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड विद, व्हाट इज एक्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, तो फिर क्या होना चाहिए, एक्स इज अ सब्सटेंस विच इज सोल्यूबल इन वॉटर, जो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, एंड इट एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू कौन करता है, बेस, बेस है ना, अब मैं वो लेकर चले कि बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि एक्स क्या है हमारे पास, कोई ऐसा सब्सटेंस जो बेस है एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद जिंक, कहाँ करा था हमने, जिंक के साथ एम्फोटेरिक रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द, ऑप्शन क्या लिखी है, ठीक है, देन आ जाओ 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट, NH4Cl,
एसिडिक ऑफ सॉल्ट है ना, तो एसिडिक सॉल्ट मतलब क्लोरीन वाला हो गया, NH4Cl। दूसरे सेट में था Which of the following salt when dissolved in distilled water will give pH less than 7? CH3COONa sodium acetate. Then IAG question number 26. Which of the following metal liberate hydrogen with nitric acid? ये तो आता था प्रिंसी, ये आता था, क्या है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी, ठीक है। दूसरी तरफ था द एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। दिस कंपाउंड इज सोल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू, कैल्शियम सिलिकॉन सोडियम कार्बन, ठीक है। क्या हमारे पर्पस है? उसने कहा एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, आयोनिक था, यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड था, ठीक है। देन आइए 28 क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? बी ऑप्शन, इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर क्योंकि इसकी रिएक्शन ज्यादा तेज नहीं होती, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विल स्टिक, ठीक है। दूसरी तरफ था ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव मैटर एलिमेंट्स, सॉरी डी ऑप्शन, जेड एंड वाई, वाई, ठीक है। देन आइए क्वेश्चन नंबर 31, assertion, exposure of silver chloride, फिर वही चीज आ गई, silver chloride to sunlight for a duration turns grey due to the formation of silver by decomposition of silver chloride, ठीक है या गलत है? In this process sublimation of silver chloride takes place, so C option, assertion is true, reason is false. On the other side, 31st question, assertion reason, lead nitrate on thermal decomposition. ठीक था ये? Thermal decomposition से breakdown करते lead nitrate को, give lead oxide, brown color, nitrogen dioxide and oxygen gas. बिल्कुल ठीक है. Reason, lead nitrate react with the potassium iodide to form a yellow precipitate. ठीक है? Both are correct and that is the correct explanation of the assertion B option. Then assertion reason next is aluminium oxide is an amphoteric oxide. ठीक है? Reason anodizing is a process of forming a thick layer oxide, thick layer of aluminium. B option. Then set B में gas bubbles are observed when sodium carbonate is added to dilute HCl. True? Reason, carbon dioxide is given off in the reaction. Both are true. A option. इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. Ionic compounds have high melting and boiling point. True? A large amount of energy is required to break down the strong interionic attraction in the ionic compound. Yani ki option A. Dono hi theek. Dusre set pe tha. Isme ho gaye assertion reason. Ek kam tha isme. Ek pe teen hai. Chaliye. Mamma ne 33 wala nahi bola. हाइड्रोजन गैस के स्टडी पहले हम इसी की कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम, नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम,
It is a solid and yellowish white in color. Bleaching powder can be, please do not chup kar jao. It can be easily identified by strong smell of chlorine. When calcium hydroxide react with chlorine, it gives the calcium oxychloride and water is formed. Okay? Aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. Paragraph aap logon ne pad liya tha. Question hai, identify the product X in the given reaction. Calcium hydroxide plus chlorine, but it will form calcium oxychloride, A option. Bleaching powder is also known as so calcium oxychloride, calcium hypochlorite, chloride of lime, all of these. Bleaching powder is used as bleaching agent in textile, paper and jute industry, disinfecting for water to make water free from germs, oxidizing agents in many chemical industry and all of above. Bleaching powder gives smell of chlorine because it gives chlorine on exposure to atmosphere. एक मिनट, इट इज अनस्टेबल, वो तो है नहीं. इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेक लाइम. माइक की उन्होंने देख लिया हो राइट, तो ये छोड़ देते हैं अभी, लेट इट बी. ठीक है, जस्ट सी की बट दे आर से. देन 40th, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इट इज पेल येलो पाउडर हैविंग स्मेल ऑफ क्लोरीन. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. It is a bleaching powder gave nascent oxygen, all of above. दूसरे में था हमारा case study. A compound X of sodium form a white powder. It is a constituent of baking powder. तो वहां से पता लग गया NaCl3 की बात कर रहे हैं हम. Used as an antacid. Para okay, question देखते हैं. What is the compound X? A, NaCl3. The compound Y is, but it will release NaCl3 give rise to Na2CO3 plus CO2 plus H2O. So Y kya hai hamare paas? B option. C kaise hoga? Soda ash mein maine pani nahi dala. I am just breaking down the NaCl3. When we will split up, it produce Na2CO3. Plus carbon dioxide plus water, that is the P option. What is the nature of the sodium? Oh, sorry, nature of the solution formed by dissolving Y in water? Alkaline. Y kya hai? Sodium carbonate. Base ko dala to solution ki nature kya ho gayi? Alkaline. Identify the compound Z. Z kahan banaya tha aapne? इसकी ऑप्शन है बी ऑप्शन, H2CO3. सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक कंपाउंड. इट्स ऑप्शन डी ऑप्शन. सोडियम कार्बोनेट वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है. बस